कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अपने विधायक पुत्र के विवाह रस्मों से निवृत्त होते ही चुनाव प्रचार के लिए कमर कस ली है। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार का जिम्मा उन पर है, उन्हें ही पूरे हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनावी ढोल बजाना है। वे इसके लिए बिल्कुल तैयार व सक्षम है। नहीं, मेरे पास तो जिम्मेवारी है ही है। सारा हिमाचल का ढोल मैं नहीं बजाऊंगा। क्या आप तैयार है चुनाव प्रचार के लिए पूरी तरह? आई एम रेडी फाइटिंग फिट। इस दौरान वीरभद्र सिंह के विधायक पुत्र विक्रमादित्य ने बताया कि उनका लक्ष्य कांग्रेस पार्टी को हिमाचल की चारों लोकसभा सीटों पर जीत दिलवाना है। विक्रमादित्य से मंडी लोकसभा हलके के लिए कांग्रेस टिकट की दावेदारी बारे पूछे गए सवाल पर कहा कि हमेशा से मंडी लोकसभा हलका पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का गढ़ रहा है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री सांसद रहते इस हलके का अभूतपूर्व विकास किया है। हालांकि टिकट किसको देना है ये हाई कमान के अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन हाई कमान को वीरभद्र सिंह से विचार विमर्श कर ही आगे कदम उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने जो वादे पिछली बार सत्ता में आने से पहले किए थे वो धरातल पर दिखाई नहीं दिए हैं। केंद्र की सरकार हर मोर्चे में विफल रही है। इस बार लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए भाजपा सर्जिकल स्ट्राइक का सहारा ले रही है। उन्होंने कहा, हमारा मकसद सेना या सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े करना नहीं है। इस मामले में वे सरकार के साथ हैं, लेकिन जिस तरीके से इस मुद्दे को लेकर वे राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, पायलट की फोटो लगाकर प्रचार किया जा रहा है, सेना के नाम पर वोट मांगना गलत है। उन्होंने कहा कि विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक ओर सत्याग्रह पर चलने वाले गांधी की विचारधारा है और दूसरी ओर गोडसे की विचारधारा। अभिनंदन, उनकी फोटो लगाकर जो है उनसे वोट मांगा जा रहा है, ये इनकी जो घटिया मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की, उसको दर्शाता है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए आर्मी के और नेवी के और एयरफोर्स के नाम पे जो है वोट मांगे जा रहे हैं, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और निश्चित तौर से इस बारी जो लोकसभा के चुनाव होंगे ये एक निर्णायक चुनाव होंगे, क्योंकि ये एक विचारधारा की लड़ाई है। एक और गांधी जी की विचारधारा है जो सत्याग्रह पर चलने वाले हैं, और एक और नत्थू राम गोडसे की विचारधारा है जो एक साल में जितने काम वीरभद्र सरकार ने पिछले 5 साल में किए उन वही काम जो है ये इनॉग्रेशन कर रहे हैं और उसी को ही ये पूरा कर रहे हैं। नई कोई सोच नहीं है, कोई दिशा नहीं है, कोई दशा नहीं है। आरएसएस के नाम पे जो है डंका बज रहा है। वो यहाँ से चारों की चारों सीटों से कांग्रेस पार्टी को जिताना और देश में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है।